हेलो दोस्तों, आज और एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये है कि आप 3D इंट्रो कैसे बनाएंगे। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो जब ऑन करते हैं तो बढ़िया सा 3D इंट्रो आता है, तो उसी इंट्रो का आज हम बना के दिखाएंगे आपको। और आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर रह गया है। तो चलिए, हम देरी ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको वहीं से दिखाते हैं कि आप किस तरह से 3D इंट्रो बनाएंगे। तो अभी हमने पावर डायरेक्टर को ओपन कर लिया है और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आया है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग 16.9 जो रेडियो है इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन ऊपर पे आया है, वीडियो, फ़ोटो और कलर बोर्ड। तो हम लोग कलर बोर्ड पर जाएंगे और यहाँ से जो वाइट कलर है इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट हो गया है, तो इसका जो टाइमिंग है हम लोग थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेंगे। कम से कम हम लोग को 15 सेकंड का इसको टाइमिंग कर लेना है। तो ये हो गया है यहाँ पर। और अभी हम लोग यहाँ पे जो नीचे आपको जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है ऑप्शन, इस पे जाएंगे और यहाँ से जो भी आपका लोगो बना के रखा हुआ है इसको लेना है यहाँ से। तो मैंने ये वाला जो लोगो है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो और इसको आप यहाँ ऊपर जो देख सकते हैं यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसका भी जो टाइमिंग है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको इस तरह से इसको बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर जो आपका एनिमेशन है यहाँ पर एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ पर जो इन है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे एनिमेशन दिखाई देगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो तीन नंबर का जो ऑप्शन है इसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट हो गया है और इसका जो टाइमिंग है इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे, थोड़ा सा ही कम करेंगे 3.5। तो आप देख सकते हैं ये टाइमिंग इसका थोड़ा सा कम हो गया है। तो हम लोग यहीं पर इसको रोकेंगे जितना तक एनिमेशन है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर फोटो वाला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से फिर हम लोग इसका जो कलर है वाइट वाला जो बैकग्राउंड कलर था उसको फिर सिलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं फिर से यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और अभी हम लोग यहाँ से मार्क्स पे जाएंगे और यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिर छोटा करेंगे। ऊपर आप क्लिक करके इसको छोटा कर सकते हैं, इस तरह से छोटा कर लेंगे इसको। और फिर यहाँ से हम लोग इसका जो ओपेसिटी है इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, ओपेसिटी इसको 7 रखेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं ये हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर जो की है इसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ ऊपर जो अपना लोगो पे जो भी हम लोगों ने जो ट्रांसफार्मर लगाया है इसको थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे हम लोग और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे और वीडियो को थोड़ा आगे कर लेंगे। फिर अभी इसको फिर थोड़ा ट्रायंगल में लेंगे इसको और फिर इसको नीचे लाएंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आप अपना समय थोड़ा लगा कर इसको बढ़िया से बनाइए, हम थोड़ा जल्दबाजी में बना रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से कीजिए, बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए ये हो गया यहाँ पर। और अभी हम लोग इसको चला के देखेंगे तो देखिए इस तरह का ये दिखाई देगा। देख सकते हैं इस तरह का दिखाई देगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो भी अपना चैनल का नाम है वो नाम भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जो क्लासिक है इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ढेर सारा आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, तो आप कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं, हम ये वाला लगा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आ गया, इसको अभी हम लोग डबल टैप करेंगे और यहाँ पर जो भी अपना चैनल का नाम है वो नाम हम लोग पूरा लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना चैनल का नाम लिख रहा हूँ, दिलवर फैक्ट 79। तो अब इसका जो कलर है इसको हम लोग चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड भी वाइट है और कलर का डिज़ाइन भी आपका जो वाइट है। तो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन पे जाएंगे, टेक्स्ट डिज़ाइन पे, और यहाँ से कोई भी एक कलर चूज़ करना है। तो मैं ये रेड वाला कलर यहाँ पर चूज़ करता हूँ। तो देख सकते हैं ये हो गया है।
और इसका जो टेस्ट का जो टाइमिंग है इसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेंगे वीडियो के अकॉर्डिंग, जितना अपना वीडियो है उतना ही इसको बड़ा कर लेंगे। तो ये हो गया यहाँ से, और अभी देख सकते हैं हम लोग इसको प्ले करके देखेंगे तो कितना सुंदर सा यहाँ पर ये आपका इंट्रो बन के रेडी हो गया है। और अभी हम लोग इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए हम लोग ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से बैक आएंगे और यहाँ पे फिर हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। फिर यहाँ से 16:9 रेटियो को सिलेक्ट करना है, और फिर अभी हम लोग यहाँ पे एक वीडियो डाउनलोड करके रखा हुआ है उसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर एक वीडियो है, ये वीडियो यहाँ पर प्ले कर किया तो आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से वीडियो आया है। तो अभी फिर हम लोग वीडियो को यहाँ पर थोड़ा चलाएंगे और इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे रोक देंगे, और रोकने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वीडियो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी वीडियो अभी हम लोगों ने बनाया था जो इंट्रो, उसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिलेक्ट हो गया है, इसको अभी यहाँ पर हम लोग ऊपर से बड़ा करेंगे, इसको पूरा बड़ा कर लेंगे। देख सकते हैं ये यहाँ पर बड़ा हो गया है। और अभी हम लोग यहाँ नीचे जो ब्लेंडिंग है ब्लेंडिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा बन के रेडी हो गया है। तो अभी आपको इस तरह का दिखाई देगा, ये काफ़ी सुंदर सा बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। तो आपको थोड़ा ध्यान लगा के इसको करना है, और जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। तो देखिए ये काफ़ी बढ़िया सुंदर से यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से 3D इंट्रो बनाया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप वीडियो को अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और आपको वीडियो बनाने के लिए अगर आपको जो कुछ भी हमने यूज़ किया है उसको अगर आप जरूरत पड़ता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। तो अगले और एक वीडियो में आप लोगों को लेके आऊँगा, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।